अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीज़ा चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज़्बेकिस्तान के टूरिस्ट वीज़े के बारे में, इसको किस तरह अप्लाई किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो बहुत ही ईजी है इसका टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना और वो सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले नंबर पर है वीज़ा फॉर्म, तो ये वीज़ा फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप किया जाता है। तो बहुत ही इजी स्टेप्स हैं इसके। तो दूसरे नंबर पर हम आते हैं LOI, लेटर ऑफ इन्विटेशन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। तो लेटर ऑफ इनविटेशन आपको मंगवाना पड़ेगा जहाँ अगर आपका उज़्बेकिस्तान में अगर कोई दोस्त है या आप वहाँ का कोई रेजिडेंट है तो वो आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा। अगर आप वहाँ से नहीं मंगवा सकते तो आपको जो ट्रेवल एजेंट्स हैं ये आपको अरेंज करके दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इनविटेशन लेटर। तो इसकी जो फ़ीस है तकरीबन $50 या $60 है, मुख्तलिफ़ इसके जो है प्राइजेज़ हैं मुख्तलिफ़ ट्रेवल एजेंट्स के। तो ये आप किसी ट्रेवल एजेंट से अरेंज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम आते हैं ओरिजिनल पासपोर्ट। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेकर आप एम्बेसी में जाएंगे और वहाँ पर जो है अपनी साथ जो फ़ोटोज़ हैं पासपोर्ट्स हैं वो भी जमा कराएंगे। जो उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो $60 है। तो अभी हम मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा फॉर्म किस तरह फिलअप किया जाता है। तो इनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पर हम जाकर इसका जो है फिलअप करेंगे फॉर्म, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये, ऑलरेडी मैं एक जो है ना फॉर्मेट है उसको, तो इसका जो फॉर्म ऑलरेडी एक फ़िलअप किया हुआ है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है, आपने पहले अपना जो सरनेम है जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक आपने फ़िलअप करना है। इसमें आपने कोई गलती नहीं करनी स्पेलिंग की। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका जो अब मेल है, फीमेल है, कंट्री ऑफ बर्थ है आपकी, जिस तरह ये पाकिस्तान है, इस तरह ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, पासपोर्ट जो टाइप है ऑर्डिनरी है। बहुत ही इजी स्टेप्स है ये, आपने इसे देखकर अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। जो आपका एक्सपायरी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, जिस तरह आप लाहौर में आपकी जो पैदाइश है तो आपने लाहौर लिखना है। अपने पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, या आप जो गौर करेंगे जो आपको जो रेड कलर का जो है ना आपको एक स्टार नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कंपलसरी ये आपने लाजमी फ़िलअप करना है। अगर किसी जगह पर अगर ये स्टार नहीं है तो आप ऑप्शनल है, आप उसको फ़िलअप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। जहाँ स्टेरिक नज़र आ रहा है तो वो आपने लाजमी फ़िलअप करना है। बहुत ही ईजी स्टेप्स है। आपका पीरियड ऑफ विज़िट कितना है, मिसाल है, आपने वो भी इसमें मेंशन करना है। आप 12 जनवरी 2000 को जा रहे हैं तो आपकी जो वापसी है 17 जनवरी 2000 है, तो आपने तकरीबन ये पाँच दिन बनते हैं, तो ये आपने मेंशन करना है। आपका नंबर ऑफ एंट्रीज 1 है, इतना भी है। अब मल्टीपल अगर आप जा रहे हैं तो आपने वो इसमें मल्टीपल पर 2 एंट्रीज जो है आपने क्लिक करना है। पासपोर्ट आपका जो है आपको यूजुअली अर्जेंट चाहिए या वीज़ा जो है यूजुअल चाहिए तो आपने यूजुअल पर क्लिक करना है। ये आप जो वीज़ा है आपके किसी भी मुल्क से, आप अगर आप लंदन जा रहे हैं या पेरिस या बाकू या कहीं भी मलेशिया जा रहे हैं तो वहाँ से भी आप वीज़ा ले सकते हैं, बशर्ते कि आप पहले अपना फॉर्म जो है वो फिलअप करना है ऑनलाइन और अपना पासपोर्ट वगैरह और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ एम्बेसी में जाना है, वहाँ पर जमा कराना है। तो वहाँ से भी आपको मलेशिया से भी वीज़ा मिल सकता है, स्टिकर वीज़ा, या किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट और कुछ भी नहीं चाहिए और बहुत ही ईजी वीज़ा है। थोड़ा कॉस्टली है इनका वीज़ा लेकिन ये आसानी से मिल जाता है, उज़्बेकिस्तान का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। उसके बाद आपने इनवाइटिंग पार्टी का जो नेम है, जिस पार्टी ने आपको भेजा इनविटेशन लेटर उसका नाम आपने मेंशन करना है और होटल का एड्रेस जो है वो
अगर हमें पहले अगर कहीं प्रीवियस विजिट किया है तो आपने यहाँ पर यस लिखना है, वरना आपने नॉन कर देना है। इस तरह अगर आप जो है अकम्पनीड ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो आपने यहाँ पर यस कर देना है और उनके जो है ना नेम भी लिख देना है। अगर अकेले जा रहे हैं तो आपने नॉन, उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेसमैन है या एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अपना का प्लेस ऑफ वर्क कहाँ है, कहाँ पे काम कर रहे हैं आपका, तो आप मिसाल मैं लाहौर में मेरा बिजनेस है, मैं लाहौर लिखूँगा। और वर्क एड्रेस जो मेरा बिजनेस का एड्रेस है वो आपने यहाँ पर टाइप करना है। और आपका जो है रेजिडेंट एड्रेस है लास्ट में, वो आपने सारा पूरा डिटेल के साथ फ़ोन नंबर और ईमेल ये सारा आपने मेंशन करना है। तो बहुत ही इजी है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रिंट आउट पे तो इसका एक प्रिंट निकल आएगा। ये प्रिंट आपने एम्बेसी में साथ लेके जाना है और आपका पासपोर्ट और जो है LOI लेटर ऑफ इनविटेशन ये भी साथ लेके जाना है। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।